हेलो फ्रेंड्स, मैं रजनी तिवारी, इंडियन फूड रजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सेव टमाटर की सब्ज़ी। अगर घर में हरी सब्जियां ना हो या कुछ अलग तरह की सब्जी खाने का मन हो तो आप इसे ज़रूर ट्राई कर सकते हैं। और इसे आप बहुत ही कम इंग्रेडिएंट, किचन में ही अवेलेबल मसालों से टेस्टी सब्जी बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो चलते हैं किचन में। अच्छा सुनिए, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा दीजिए ताकि हमारे व्यंजन आप तक पहुंच सके। सेव टमाटर की सब्ज़ी बनाने के लिए हमने 1 कप मोटा वाला सेव लिए हैं। ये आपको किसी भी जनरल स्टोर पर इजीली मिल जाएगा। इस तरह के पॉकेट में भी आता है, ये आपको मोटा भुजिया के नाम से भी मिल जाएगा। साथ में हमने 4 पके हुए टमाटर लिए हैं। 2 टमाटर को हम कद्दूकस करके प्यूरी बना लेंगे और 2 को रफली कट कर लेंगे। थोड़े से हमने धनिया के पत्ते लिए हैं। इस सब्ज़ी में हम और भी मसाले का इस्तेमाल करेंगे जो कि बनाते टाइम बताते जाएंगे। अब हम चलते हैं सब्जी बनाने के प्रोसेस में। कढ़ाई को हम गैस पर रखेंगे और गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई कर देंगे। जब कढ़ाई गर्म हो जाए तो इसमें 2 चम्मच कुकिंग ऑयल डालेंगे और इसे गर्म कर लेंगे। यहाँ पर हम 1/2 चम्मच सरसों दाना लिए हैं, 1 सूखी लाल मिर्च, तेजपत्ता, हींग और जीरा लिए हैं। इन सारी चीज़ों को गर्म तेल में डालकर चटका लेंगे। 2 हरी मिर्च काट कर लिए हैं, इसे भी तेल में डालकर भून लेंगे। जब ये भून जाए तो इसमें कद्दूकस किए हुए टमाटर का प्यूरी डालेंगे और इसे स्पैचुला से स्टर करते हुए 2 मिनट के लिए कुक करेंगे। जब ये सीख जाए तो इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जिसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच सब्जी मसाला, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लहसुन अदरक का पेस्ट। इन सारी चीज़ों को डालकर इसका कच्चा फ्लेवर ख़त्म होने तक 5 मिनट के लिए भून लेंगे। इसे लिड से कवर कर देंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। अब ये भून चुका है, इससे तेल भी सेपरेट हो गया है, तो इस स्टेज पर हम इसमें 2 रफली कटा हुआ टमाटर डालेंगे और इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। नमक हम सिर्फ मसालों के लिए ही डालेंगे क्योंकि सेव में पहले से ही नमक होता है। अब हम इसे स्टर करेंगे और टमाटर गलने तक इसे कवर करके 2 मिनट के लिए कुक करेंगे और बीच बीच में चलाते रहेंगे। दो मिनट बाद ये अब कुक हो चुका है, तो इसे हम स्टर करेंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिला लेंगे ताकि बिना जले मसाले अच्छे से कुक हो जाए, और 2 मिनट के लिए इसे और कुक करेंगे। अब मसाले अच्छे से कुक हो चुका है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। यहाँ पर हम थोड़ा सा कटा हुआ धनिया के पत्ते डालेंगे। इसकी जगह आप कस्तूरी मेथी भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप डाल सकते हैं। अब ग्रेवी के लिए हम इसमें 1 गिलास पानी डालेंगे और इसे लीड से कवर करके इसमें 1 बॉईल आने देंगे। ग्रेवी में बॉईल आ चुका है तो अब हम इसमें सेव डालेंगे और इसे मिला लेंगे। तेजपत्ता को हम बाहर निकाल लेंगे ताकि खाते टाइम मुँह में ना आए। इसका फ्लेवर सब्जी में आ चुका है, इसे लीड से कवर करके 2 मिनट के लिए और कुक करेंगे। लास्ट में हम इसमें 1/2 चम्मच गरम मसाला डालेंगे और इसे मिला लेंगे। ऑलमोस्ट हमारी सब्जी बनकर रेडी है। इसमें थोड़ी सी ग्रेवी दिख रही है, बट ठंडा होने के बाद ये ठीक हो जाएगा, सेव ग्रेवी को एब्जॉर्ब कर लेगा। अब हरे धनिया के पत्ते से गार्निश करेंगे और इसे सर्व कर लेंगे। सर्व करने के लिए इसे एक सर्विंग बाउल में निकालेंगे। आप इसे रोटी, नान, पूड़ी या स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो आप भी बनाइए, खाइए और अपना एक्सपीरियंस इंडियन फूड रजनी के साथ शेयर करिए।
मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। नीचे दिए गए सर्कल पर अभी क्लिक करें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो स्क्रीन पर आपको मेरी और दो मज़ेदार रेसिपी दिख रही होगी। आपको जो भी पसंद है उस पर क्लिक करें। मैं वहाँ आपका वेट कर रही हूँ।